शहबाज शरीफ को शर्म उल शेख में भी शर्म नहीं आई, वहाँ भी मांगने के लिए हाथ फैला दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ रोज़ाना दो तीन बंदों के साथ नक्शा लेकर बैठ जाते हैं, देखते हैं कौन से शहर रह गए हैं जहाँ मांगने नहीं गया, फिर वहाँ चले जाते हैं। मजीद कहा, कायदे आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर मिलने पर कौम अल्लाह का शुक्र अदा करे, इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त देनी है। आप हैरान होंगे, शर्मुल शेख जो जगह है जहाँ वहाँ जाकर भी शहबाज शरीफ को शर्मुल शेख में भी शर्म नहीं आई, वहाँ भी इसने हाथ फैलाया। और मुझे तो ये लग रहा था जब इसने मांगना शुरू किया ना, करते करते मैंने कहा है जी आखिर से इन्हें कहना जो मेरे टिकट भी दियो मैं घर जाना। नक्शा खोल के ना दो तीन बंदों के साथ ग्लोब रख के तो उसके ऊपर बैठ जाता है कि अच्छा रह गए शहर। मैं तो उसे मंगन ही नहीं गया। मैं आपको बता दूँ कायदे आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर आपको मिला है तो आप शुक्र किया करें अल्लाह ताला का और उसकी ज़िंदगी की दुआ करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में डिजिटल मीडिया के दौर में आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।